Okay, welcome to all our viewers for watching this channel. पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसका रेट क्या है 7% है। 30,000 का रेट दिया हुआ है 7% और वो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हो जा रहा है वो 4,347 रुपए। तो पूछा है कि उसका टाइम कितना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम इसे ऑप्शन से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए में है 2 ईयर, बी में है 2.5 ईयर, सी में है 3 ईयर एंड डी में है 4 ईयर। ठीक है, अगर आप बात करें चक्रवृद्धि ब्याज का तो सबसे पहले समझे कि 30,000 का 7% जो मूल जो ब्याज दर है, 30,000 रुपया हमारा मूलधन है और 7% जो ब्याज दर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बैंक आपको 30,000 का 7% एज ए इंटरेस्ट देगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। कितना? मतलब ब्याज देगा, जिसको आप सूद कह सकते हैं, जो बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं। तो अगर आप बात करें 30,000 का 7%, तो 30,000 का 7% होगा वो होगा 2100 रुपए। 30,000 का 7% होगा 2100 रुपए। तो बैंक आपको एज ए इंटरेस्ट एक साल में 2100 रुपए देगा। ठीक है, ठीक है, अगले साल भी आपको मूलधन पे कितना मिलेगा? 2100 रुपया मिलेगा। मतलब अगर आपको बार बार मूलधन पे ब्याज दिया जाए तो हर साल आपको मूलधन पे ब्याज 2100 रुपये मिलेगा। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो अगर हम साधारण ब्याज के हिसाब से भी जाएं तो 2100 रुपया करके 3 बार लेने पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 63 मतलब 6,300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर यहाँ पर, लेकिन मूलधन कितना, आपका ब्याज कितना चाहिए, 4,347 रुपया। अगर आप 3 साल में जाते हैं तो ये ऑलरेडी कितना हो जाता है, 6,300 रुपये। इसका मतलब 3 साल में ज्यादा पैसा मिल जा रहा है। इसका मतलब आंसर 3 साल भी नहीं होगा, 4 साल भी नहीं होगा, बचा 2 साल और 2.5 साल। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है सो समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल आपको मूलधन पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले साल आपको मूलधन पे इंटरेस्ट मिला, कितना मिला, 2100 रुपये। उसके बाद दूसरे साल आपको मूलधन पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो पिछले साल का ब्याज था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। पिछले साल का ब्याज था 2100 रुपया और उसका 7% हो जाएगा आपका 147 रुपीज। अगर आप दूसरे साल का ब्याज का बात करें तो आपको दूसरे साल मिला है 2247 रुपीज, 2247 रुपीज, जबकि पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला था 2100 रुपया, दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिला 2247 रुपया। आप अगर दोनों को ऐड करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको 2 साल में इंटरेस्ट मिला है 4,347 रुपया। इसका मतलब आंसर जो है वो 2 साल होगा। ठीक है, और ये तरीका बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है कि साधारण ब्याज के हिसाब से, साधारण ब्याज के हिसाब से एक मूलधन जो है वो 60% का वृद्धि कर जाता है कितने साल में, 6 साल में। अगर हम बात को सही से समझे तो ये है कि साधारण ब्याज हमेशा इक्वली बढ़ता है, मतलब वो हर साल इक्वल बढ़ेगा, हर साल साधारण ब्याज बराबर करके बढ़ेगा। मतलब वो 60% अगर 6 साल में बढ़ा है तो हर साल वो 10% के हिसाब से बढ़ा होगा, हर साल वो 10% के हिसाब से इंक्रीज किया होगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अब यहां से हम चाहें तो बहुत ही आसानी से किसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया हुआ था वो था 2160, ऑप्शन बी है हमारा 3120, ऑप्शन सी है हमारा 3972 और ऑप्शन डी है हमारा 6240। पहले समझिए, ठीक है। अब हमारा पता है हमको कि हमारा पैसा कितना है, मूलधन है वो है 12,000 रुपए और हमारा ब्याज दर कितना है 10%। मतलब आपको बैंक
पहले साल 12,000 का 10% मतलब 1,200 रुपया एज ए इंटरेस्ट देगा। किसका 10%? पहला साल मूलधन का, दूसरा साल भी आपको मूलधन का 1,200 मिलेगा और साथ में इस इंटरेस्ट का भी 10% मिलेगा, और तीसरे साल भी आपको 1,200 मिलेगा और साथ में जो 2 साल का इंटरेस्ट होगा उसका 10% मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करें 1,200, 1,200, 1,200, पहले मूलधन पे मिले हुए इंटरेस्ट को, जो जो अमाउंट, जो जो इंटरेस्ट, जो जो ब्याज हमको मूलधन पे मिला है, मतलब 1,200 रुपया करके 3 साल मिला है मूलधन पे, उसको भी अगर हम ऐड करें तो वो हो जा रहा है 3,600 रुपए, वो हो जा रहा है हमारा 3,600 रुपए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हो। ठीक है, अगर 1,200 का 10% का बात करें तो 120 रुपया, 1,200 का 10% का बात करें तो 120 रुपया, और अगर दोनों साल का इंटरेस्ट जोड़ दे भी तो 2,400 और 2,500 कुछ रुपए होंगे, उसका 10% होगा 200 के आसपास। तो यहाँ पर आपका 100 कुछ रुपए इंक्रीज करेगा और यहाँ पे आपका 200 कुछ रुपए इंक्रीज करेगा, मतलब टोटल इंक्रीज जो होगा वो 300 कुछ रुपए होंगे। आपके पास ऑलरेडी 3,600 है और यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना होगा, 300 के आसपास, मतलब जो भी ब्याज, जो भी हमारा सूद या ब्याज आएगा वो 3,600 से 300 रुपए से ज्यादा, 300 रुपए से कुछ ज्यादा होगा, 300 रुपए से कुछ ज्यादा होगा। इसका मतलब आंसर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी 300 से डबल है, 3,600 से डबल है, तो आंसर सी। इसको हम पूरा सॉल्व भी नहीं करने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप यहां से निकाल सकती हैं, क्या आप यहां से निकाल सकते हैं कि 12,000 का, ये 1,200 का 10% हो जाएगा 120 रुपए, तो हमारा इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर कितना, यहाँ हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल तीनों को ऐड कर देंगे, इस 1,200 को, इस 1,200 को, कितना हो गया 12, 12, 2,400 प्लस 120, तो 2,520 रुपया हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,520 रुपया। और 2 साल का इंटरेस्ट, ये 1,200 पहले साल का, दूसरे साल का 1,200 प्लस 120, इसको और इसके साथ ऐड कर दिए तो 2,520, इसका 10% हो जाएगा 252, तो तीसरे साल हमको मिलेगा कितना 1,452, ये हमारा इंटरेस्ट होगा 1,452। अगर हम इसको ऐड कर दें, ये हमारा 2 साल का इंटरेस्ट, ये हमारा तीसरे साल का इंटरेस्ट, तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 93,3972, हमारा टोटल 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3,972। ठीक है, हमें लगता है ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹14,000 14,000 एट रेट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है कि एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो आपका P हो जाएगा 14,000 रुपया, आपका P हो जाएगा 14,000 रुपया। ठीक है, आपका R हो गया 10% और T जो होगा वो होगा 3 मंथ। 3 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो 3/12। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में टाइम हमेशा ईयर में लिखेंगे हम लोग, तो 3/12 को मतलब 1/4 by 100 by 100। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता मिलेगा कि आंसर इज 1,400 by 4, आंसर इज 350 रुपीज, आंसर इज 350 रुपीज, 350 रुपये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और एक तरीका, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल सा बात समझिए कि आपको बैंक 14,000 का 10% 1 साल में देगा, तो 14,000 का 10% 1 साल में हो जाएगा 1,400 रुपए। अगर आप 2 साल के लिए बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो 1 साल में आपको 1,400, तो 2 साल में × 2, 3 साल में × 3, 4 साल में × 4, जितना टाइम हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हाफ एन ईयर के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए डाल दें, मतलब आधा साल के लिए, तो × 1/2। अगर 1/4 ईयर के डाले तो 1/4। अगर 1/5 ईयर के लिए डाले तो 1/5, मतलब जितने टाइम के लिए डाल रहे हैं वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सबसे पहले हमने क्या किया, 14,000 का 10% निकाल लिया, तो बैंक आपको एक साल में 1400 रुपया देगा, पर आपने बैंक में पैसा जमा किया 3 मंथ के लिए, जो कि होगा 3/12, 1/4 ईयर, 3/12, 1/4 ईयर, जो कि होगा हमारा 1/4 ईयर, तो यहाँ इंटू 1/4, आंसर इज 350। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 1200 बिकम्स 1348.32, मतलब 1200 रुपया कितने प्रतिशत दर से 2 साल में 1348 रुपया 32 पैसा हो जाएगा। सही है, इसको भी अगर हम फॉर्मूला या फिर उससे जाए तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसको भी हम हिट एंड ट्रायल करेंगे ताकि आसानी से हम सॉल्व कर सके। हमारा ऑप्शन है 6.5%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% एंड ऑप्शन डी है 7.5%। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन ले बड़ा नंबर, हम इंटीजर लेंगे, डेसिमल वाले नंबर को बाद में देखेंगे, तो हम बड़ा में लेते हैं 7 को, तो 1200 का 7% जो होगा वो होगा 84। ध्यान से समझिएगा, 1200 का 10% होगा 120 रुपया, 1200 का 1% होगा 12 रुपया, और 1% अगर 12 रुपया होगा तो 7% हो जाएगा 12 × 7, 84 रुपीज। अगर 2 साल का बात करें, अगर हम लोग सिंपल 2 साल का बात करें, तब भी 1200 का पहला साल आपको मिलेगा 84, और अगर मूलधन का ही बात करें तो मूलधन पे मिल जाएगा आपको 84, मतलब टोटल हो जाएगा 168, जबकि 1200 में और 1348 रुपया 32 पैसा में डिफरेंस है 148 रुपया 32 पैसे का, मतलब आपको मूलधन पे ब्याज जो मिला है वो है 148 रुपया 32 पैसा 2 साल में। 1200 का 7% के हिसाब से जाएं तो 2 साल में हो जाएगा 168, इसका मतलब आंसर 7% नहीं होगा, 7% से कम होगा, तो दोनों ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। अब आते हैं 6% पे, तो 1200 का 6% जो होगा वो होगा हमारा 72 रुपीज। 2 साल में अगला बार भी मूलधन पे मिलेगा 72 रुपीज, और साथ में इस 72 का 6% हो जाएगा हमारा 4.32। अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ हो जाएगा 76.32, मतलब दूसरे साल हमको एज ए इंटरेस्ट 76.32 मिला है, जबकि पहले साल 72 मिला था, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमको आंसर मिलेगा 148.32, इसका मतलब जो रेट है वो 6% है। जो हमारा रेट है वो है 6% है। सही है, आंसर क्लियर समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अगर एक साइड का भुजाएं दिया हुआ है 26, 24 और 10, अगर इन भुजाओं का रेशियो का बात करें तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जा रहा हमारा 13। हमारा रेशियो कितना रही है 13, 12, 5, 13, 12 और 5 का रेशियो हो रहा है। ध्यान रखिए, अगर 13, 12, 5 का रेशियो हो या फिर 3, 4 और 5 का रेशियो हो, 3, 4 और 5 का रेशियो हो, ये दोनों रेशियो बताता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये दोनों रेशियो बताता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो हम जैसे ही देखते हैं कि इन तीनों साइड का ट्रायंगल, इन तीनों साइड का रेशियो 13, 12 और 5 का है, इन तीनों साइड का रेशियो 13, 12 और 5 का है, हम वैसे ही समझ जाते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो डायग्राम कुछ इस तरह होगा उसका। ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा 26, इनमें से कोई एक को 24 दे दो, कोई एक को 10 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हाफ बेस में से अगर तुम 10 लेते हो और हाइट को 24 लेते हो, तो लिख सकते हो हाफ इंटू 24 इंटू 10,
या 10 × 24, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही है, सिंपल। अगर आपको ये पता ना होता तो आप अभी इसको विषम बाहु त्रिभुज के फॉर्मूला पे सॉल्व करते रहते, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है। इसलिए रेशियो निकाल के देखना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मजे में सॉल्व कर लो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन द क्वेश्चन जो है वो आयतन का है और बोला है कि एक घन का छोर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। घन क्या होता है? घन होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ये हो गया इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमारा? आयतन निकालना। और घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान एक ही होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा, मतलब जो आयतन जिसको कहते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड का पावर में 3, साइड का क्यूब। तो आंसर हो जाएगा 1 का पावर क्यूब। 1 का पावर क्यूब जो होगा वो 1 होगा, और आंसर बोलिएगा आप 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूब सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये निहायत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा कि एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। इंग्लिश वाले में लिखा हुआ इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर। इन रेडियस क्या होता है? इन रेडियस का मतलब होगा एक ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक सर्कल बनाए, एक ट्रायंगल के अंदर एक अगर हम सर्कल बनाए तो इसको कहते हैं हम लोग इन सर्कल। इन सर्कल का क्या प्रॉपर्टी है कि वो तीनों साइड को टच करेगा, वो तीनों साइड को टच करेगा, ठीक है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 2.5, और पेरीमीटर दिया हुआ है आपका तीनों, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम जो दिया हुआ है वो है 28, और त्रिज्या दिया हुआ है 2.5। तो एरिया जो निकलेगा, वो एरिया जो होगा वो होगा सेमी पेरीमीटर इंटू रेडियस। याद रखिए, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 28 डिवाइडेड बाई 2 इज 14 एंड आर इज 2.5, मतलब 2.5। तो आंसर होगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर किसी का आयतन निकालना हो तो वहां पर वो क्यूब हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। पहले हम समझते हैं समानांतर चतुर्भुज क्या है। समानांतर चतुर्भुज वो है जिसकी आमने सामने की भुजाओं का लंबाई बराबर हो और दोनों भुजाएं समानांतर दूरी पर, दोनों ये भुजाएं आपस में ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। तो ये समानांतर चतुर्भुज है। इसमें और आयत में बस यही अंतर है कि आयत में मतलब रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका आधार जो दिया हुआ है वो है 24 सेंटीमीटर, आधार जो है वो है 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया हुआ है वो है 16 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए एक बात को, ऊंचाई दिया हुआ है ना कि अपोजिट साइड, सेकंड अदर साइड, ये अदर साइड है इसका। ऊंचाई क्या होता है? दो लाइनों के बीच की मिनिमम दूरी को हम ऊंचाई कहेंगे, और ये जो है ये मिनिमम दूरी नहीं है। तो ऊंचाई कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस कितना हो गया? 24, और हाइट कितना हो गया? 16। तो 16 32 320 64 384, आंसर इज 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही है,
आपको अगर ये फॉर्मूला पता हो और अगर बेसिक प्रॉपर्टी पता हो कि हाइट किसको कहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3। बोला एक आयत, आयत किसको कहते हैं? आयत कहते हैं जब आमने सामने की भुजा, एक चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और सारे एंगल 90 डिग्री के हो, और सारे एंगल 90 डिग्री के हो, तो हम इसको कहेंगे एक आयत। तो आयत का लंबाई दिया हुआ है 4 और चौड़ाई दिया हुआ है 3, मतलब आयत का 4:3 के रेशियो में, तो लंबाई हो जाएगा 4x और चौड़ाई हो जाएगा 3x। आयत का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा लेंथ हो गया 4x और ब्रेथ हो गया 3x और एरिया हो गया 6912। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आएगा यहाँ 12x² 6912, और अगर इसको 12 से डिवाइड करें तो 12 25 60 62 84 62 x², तो आप इसको लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल 24। इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 into 24, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 into 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात। हम ये डायग्राम वाला एरिया साफ करते हैं। हमें पता है चौड़ाई कितना है, हमारा चौड़ाई जो है वो है कितना 3 into 24, चौड़ाई जो है वो है 3 into 24, तो हमने चौड़ाई की जगह लिखा है 3 into 24, ठीक है 3 into 24, और ये क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 6912, 6912, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 24 से ये कट जाएगा 288 टाइम्स, और आप इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:96। ये इसका रेशियो हो गया, किसका किसका, चौड़ाई का और एरिया का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल भी है, एक आयत के भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ का बात करें तो 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, मतलब लेंथ अगर 3x है तो ब्रेथ हमारा x है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 867 वर्ग मीटर है, मतलब एरिया इज 867, मतलब 3x into x इज इक्वल टू 867, then 3x² is equal to 867, then x² is equal to 289, then x is equal to root under 289 is equal to 17, तो x का वैल्यू कितना आया 17। तो आयत का भूखंड की चौड़ाई क्या है, तो आयत का भूखंड कितना था, x था, पुट करेंगे तो आंसर इज 17। अगर लंबाई पुट करता तो यहाँ पुट करते हैं और 3x हो जाता 51, सही है। अगर किसी को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर 7004220688 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये टेलीग्राम नंबर है, आप यहाँ बिंदास अपना क्वेश्चन अपनी डाउट भेज सकते हैं, हम यथासंभव जितना जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको नए वीडियो और नई नई चीजें जल्दी जल्दी मिलती रहे, टाइम पे मिलती रहे। जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पुराने वीडियो देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिए गए हैं आपके लिए, बहुत उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। आज जितना 10 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, आप इसे बैठ के प्रैक्टिस करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। जो लोग घर पर हैं वो घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, जिनका ड्यूटी है उनको हमारी तरफ से बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
वो अपनी सेवा इसी तरह हमारे देश को देते रहें। आज के लिए काफी है, चलते हैं हम लोग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।